पठानकोट के धार एरिया विच वन माफिया के नाल नाल हुण भू माफिया भी सरगर्म नजर आ रहा है। दस देना चाहते हैं कि धार एरिया के जंगलों विचों जिथे पेड़ा की कटान से रोक लगी हुई है उथे जब भी किसी वालों जमीन से कोई काम करना होंगे तो उसके लिए विभाग तो परमिशन लेनी जरूरी होंगी है, मगर भू माफिया वालों बिना परमिशन दे ही कई जगह से पहाड़ा कट के जिथे रस्ते बना दिए गए उथे प्लॉट भी कट दिए गए, जिसके चलते साड़ी चैनल की टीम वालों चमरूड़ पिंड का दौरा किया गया जिथे देखा कि भू माफिया पहाड़ा जेसीबी मशीनों के पंजे नाल जिथे कट करके रस्ते बनाए गए उथे नाल ही कई जगह जंगलात विभाग के पेड़ भी कट दिए गए, मगर यह काम एक या दो दिन का नहीं काफी लंबे समय तो इतने मशीनों नाल काम किया जा रहा है। जंगलात विभाग के अधिकारी अक्सर ही इस साइड वाल आते हैं क्योंकि इधर चमरोड़ पिंड के नज़दीक मिनी गोवा टूरिस्ट प्लेस है जिथे रोजाना ही लोग इसको देखने के लिए आते हैं, मगर हैरान करने वाली गल यह है कि जंगलात विभाग के अधिकारी कई महीनों तो भू माफिया वालों लगाए काम बारे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सके। उथे दस देना चाहते हैं कि जंगलात विभाग वालों इतने अपना बोर्ड भी सड़क से लगा रखे है कि बिना परमिशन दे इस एरिया विच कोई भी काम नहीं कर सकता, जिसके चलते साड़ी चैनल की टीम वालों तीन महीने पहला भी खबर दिखाई गई सी, जिसके विच जंगलात विभाग के DFO वालों कहा गया सी कि जल्द रिपोर्ट तलब कर जो भी दोषी होंगे चाहे वह भू माफिया के हों या फिर विभाग के सबना ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर कार्रवाई ना होने चलदे आज तकरीबन तीन महीने बीत जाने तो बाद दोबारा तो भू माफिया वालों जेसीबी के पीले पंजे नाल जिथे सरकारी बोर्ड विभाग का लगे बिल्कुल उस दे नाल ही नवा रस्ता पहाड़ियां कट के बना दिता गया। फॉरेस्ट विभाग के अफसर मुलाजम इस रस्ते तो अक्सर आते जाते हैं, मगर कार्रवाई कोई नहीं की जा रही। कितना कितने विभाग से सवाल जरूर खड़े होंगे ने। जब इस बारे DFO परमवीर नाल गलबात की गई तो उन्होंने वालों फोन भी यही किया गया कि जड़िया मशीना या ट्रक अवैध तौर पर बिना परमिशन के काम कर रही थी उन्होंने अपने कब्जे में ला लिया गया, तो पुलिस विभाग को डिप्टी कमिश्नर पठानकोट को भी कार्रवाई लिख दिया गया। जिहड़े अफसरां दी मिलीभगत इस विच सामने आ रही है उन्हां ते भी उन्हां विभागीय ते कार्रवाई की जाएगी, मगर देखना यह होगा कि तीन महीने पहला भी यही किया गया सी कि जो लोग इस काम विच शामिल ने उन्हां ते जल्द कार्रवाई की जाएगी, मगर देखना यह होगा कि पहला वांग कार्रवाई होंगी है जां फिर डैमेज रिपोर्ट कट गोंगलुआ तो मिट्टी चढ़न वाला काम हुंदा है। पत्रकार लकी सरोज रिपोर्ट KRT न्यूज नेटवर्क। देखो जी मैटर मेरे ध्यान में आया ये और इसके कंसर्न रिगार्डिंग मैंने सारी रिपोर्ट भी ले ली है और विभागीय कार्रवाई भी चल रही है और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ़ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस को भी लिखा है और जल्दी उन लोगों पे कार्रवाई भी होगी। JCB और टिपर भी हमारे कब्जे में हैं तो जल्दी हम उन सब पे बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। सर आपने बोला था अभी जो भी अफसर इसमें मिली भक्त होगी जिनकी उन पर भी कार्रवाई होगी, क्या हो रही है? हाँ जी, जो कार्रवाई चलनी चाहिए विभागीय कार्रवाई वो चल रही है और आपको जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर जिथे बोर्ड लग्या पाया भी इतने किसी तरह की कोई जी जमीन छेड़खानी नहीं हो सकती या पहाड़ी नहीं कटी जा सकती या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा उसके नज़दीक तो काफ़ी लंबा एक रस्ता पहाड़ियों को कट के बना दिया गया भू माफिया वालों। वो डील इस्टेड एरिया में जो उन्होंने रास्ता बनाया है तो उसके रिगार्डिंग जो डील इस्टेड एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती है उसके रिगार्डिंग हमने DC साहब को लेटर लिखा है तो वहाँ से भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर तकरीबन तीन महीने हो गया, तुम पहले भी कहा कि पुलिस कार्रवाई हो रही है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ना तो किसी अफसर से हुई है ना ही भू माफिया वाले उपर हुई। नहीं, जल्दी ही आपको कार्रवाई करने को मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी आपको रिजल्ट मिलेगा, कार्रवाई होगी उन सब पे। A1 हैंडीक्राफ्ट्स मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिजॉर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वह वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह से हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल A1 हैंडीक्राफ्ट्स पठानकोट में। द मेटल डेकोर वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑफ मेटल डेकोर इन द रीजन A1 हैंडीक्राफ्ट्स पठानकोट है। मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, बल्क सप्लायर्स एंड होलसेलर। A1 हैंडीक्राफ्ट्स पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास है वॉल आर्ट,
buses and planters, mirrors and clocks, floor and table lamp, consoles and nesting tables, penguins and statue, and much more. Even handicrafts undertake interior metal decor projects. ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी होलसेल एंड रिटेल की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट, तो एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट्स पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट्स स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवन केक्स एंड बेक्स, नजदीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। कॉन्टैक्ट नंबर 9417604147 या फिर 9780546468।